लालू यादव के साले और बिहार कांग्रेस नेता साधु यादव गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। साधु के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी भी मोदी से मिलने गांधीनगर गए थे। एबीपी न्यूज से साधु ने मोदी से मिलने को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। बिहार में कांग्रेस से जुड़े दो प्रमुख नेता अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव और दसई चौधरी फिलहाल गुजरात के दौरे पर हैं। इनका दौरा सामान्य तौर पर द्वारका दर्शन के लिए है, लेकिन आज दिन में सुबह में इनकी मुलाकात हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में, और उसके बाद से ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। दोनों ही नेता फिलहाल हमारे साथ हैं। साधु जी, आपसे जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी से आप दोनों जाकर सुबह में मिले हैं, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? ऐसे क्या बोलते हैं, शिष्टाचार इसको बोलते हैं, भेंट मुलाकात। कोई ऐसा पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई पार्टी में कहीं जाने आने की बात नहीं है, ऐसे शिष्टाचार भेंट हो गया। और गुजरात हम लोग आए हैं तो प्रदेश के बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश में बहुत विकास के काम किए हैं, तो ऐसे शिष्टाचार विजय भाई के फंक्शन में, हम लोग सोशल फंक्शन में आए थे तो उन्होंने कह दिया कि चाय पीने आ जाइए मेरे यहाँ। तो हम लोग ने चाय पीने के लिए गए, लेकिन ये हम लोगों को काम मालूम था कि बालू से तेल निकालने लगेगा आप लोग, तो बालू से तेल निकालने वाली बात हो गई। तो बाद में हम लोग को पता चला कि इतना अगर हाई तोबा होता तो फिर हम लोग चाय नहीं पीते। एक चीज बताइए, मोदी जो है 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री, यहाँ पे इस बीच भी कई बार आए हैं, लेकिन वह शिष्टाचार मुलाकात पहले कभी नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम आए हैं तो हमारी दिलचस्पी भी नहीं होगी मिलने का, लेकिन अगर अगर होंगे यहाँ और उस समय हम नहीं किए हों तो हमारी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन आज अचानक भेंट हुआ, मुलाकात हो गया, उपलब्ध है यहाँ गुजरात में, तो चाय पीने चले गए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब एक चीज बताइए, चाय तो पी ली आपने और आधे घंटे से ज्यादा बैठ के चाय पी, तो कुछ बात बात हुई क्या? मतलब पॉलिटिकल आदमी का बात क्या होता है, वही ना बात होगा कि इनका तबीयत कैसा है, उनका तबीयत कैसा है, तो तबीयत हाल चाल दुआ सलाम और कुछ। बिहार की तबीयत के बारे में बात हुई क्या? पॉलिटिकल नेता उनके दोस्त मित्र हैं मोदी जी का, तो मोदी जी अपने दोस्त मित्रों का हाल चाल पूछ रहे थे, तो हाल चाल हुआ और कोई बात तो हुआ नहीं। एक चीज बताइए, आपको किसी किस्म का आमंत्रण दिया गया क्या कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, या फिर जो है आपकी तरफ से ऐसा कुछ मन में आया क्या कि जो नहीं, है? नहीं, ऐसा नहीं है, ना उन्होंने कहा है ना हमने कहा है, ऐसा कोई बातें नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, अब तो आप मिल भी लिए हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी राय क्या है? नरेंद्र भाई मोदी अच्छे आदमी है, सोबर आदमी है, भावुकता उनमें दिख रहा। पिछले कई सालों से वो बिहार नहीं गए, इस बार 27 अक्टूबर को बिहार जा रहे हैं, एक बड़ी रैली के लिए जा रहे हैं। बिहार वो गए हैं कैलाशपति मिश्रा जी का, मैं पॉलिटिकल रैली की बात कर रहा हूँ। कैलाशपति मिश्रा जी का निधन हुआ था उसमें गए थे, वहाँ पार्टी का उनका कैंप लगा था उसमें गए थे, जिसमें कई तरह का बातें आई थी छन के, 2010 की बात कह रहे हैं। लेकिन जो है एक चीज बताइए, नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया, दोनों ही पार्टियां अलग हो गई हैं, अब मोदी बिहार जाएंगे, क्या आपको लगता है, आप चूंकि खुद राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, बिहार में जो शासन रहा आरजेडी के उसका प्रमुख स्तंभ भी रहे, मोदी के बारे में कैसी हवा है बिहार में? देखिए, मोदी जी का गांव-गांव में हवा पहुंच गया है, पहले सिर्फ शहर में था, लेकिन अब गांव का कस्बा में, टोला में, पंचायत में, गांव में, प्रखंड में घुस गया है, तो ये हवा तो है देश में। और उस हवा का असर आपको लगता है कि 2000? नहीं, नहीं, हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब आगे भविष्य में क्या होगा हम क्या जानेंगे, भविष्य में अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, आ कल परसों कोई घटना दुर्घटना घट जाए तो ये कौन जानता है, हम लोग भी नहीं जानते हैं, तो आगे भविष्य में क्या होगा, भविष्य के बाद अभी हम गर्व वाली बात को अभी करके क्या करेंगे। एक चीज बताइए, बीच में आपके बहनोई जो है लालू यादव जी, उनके पैर में कुछ चोट आई थी और तभी नरेंद्र मोदी ने फोन किया था और लालू जी ने कहा भी था कि उनका फोन आया था, शिष्टाचार के नाते उन्होंने फोन किया था। बिहार में और गुजरात में जो शिष्टाचार है ना, बहुत अच्छा है, दुश्मन को भी ऊंच पीढ़ा दिया जाता है, तो दोनों स्टेट का कल्चर एक है। गुजरात से गंगा मैया तक, तो हमारे यहाँ गंगा मैया है, यहाँ गुजरात है, तो दोनों एक कल्चर है, इसलिए बिहार में गुजरात के लोग आते हैं, गुजरात के बिहार में लोग जाते हैं, तो दुश्मन को भी हम लोग ऊंच पिरा देते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, उसी बिहार में नीतीश कुमार ने कभी कैंपेन के लिए आने नहीं दिया नरेंद्र मोदी को? ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई किसी को रोक सकता है, चरगुड़वा को बांधा जाता है, दुगुड़वा को कोई बांधता है,
कोई नहीं मानता है। एक चीज बताइए आखिर में कि अगर आमंत्रण देते हैं नरेंद्र मोदी की आप आ जाइए बीजेपी में चुनाव के पहले, तो आप उसके लिए ओपन हैं? आप उसमें हम लोग विचार करेंगे, सूट करेगा तो करेंगे, सूट नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, आ करेंगे तो करेंगे। एक चीज बताइए, आप लोग कांग्रेस पर लगातार हमला बोलते हैं, खासतौर पर सोनिया गांधी पर, मनमोहन सिंह पर, कहीं आपको डर नहीं है कि पार्टी कहीं आपके खिलाफ एक्शन लेगी? आप क्यों मिलने गए? अच्छा ये पहले बताइए, पार्टी एक्शन लेगी तो हमको पार्टी की क्या जरूरत है? अगर पार्टी को जरूरत हमको है तो हमको उपयोग क्यों नहीं किया पार्टी? हमको चार साल से बैठा कर पार्टी रखी है तो क्यों नहीं पार्टी है? चुनाव में हमारी उपयोगिता थी, चुनाव में पार्टी ने उपयोग कर लिया और उसके बाद से डंप कर दिया, यही पार्टी का सिद्धांत है? नहीं, हम लोग काम वाले लोग हैं, काम करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, गांव घूमना जानते हैं, गांव में लोग जानते हैं हमको, देश में लोग जानते हैं, बिहार में लोग जानते हैं, हर प्रखंड पंचायत गांव के लोग हमको जानते हैं। तो हमारी उपयोगिता पार्टी में थी, पार्टी ने उपयोग जिस समय करना था किया और उसके बाद हमको डंप कर दिया, लेकिन फिर भी हम पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी हमने कभी छोड़ा नहीं, पार्टी से कभी हम बगावत भी नहीं किया कि हमें कुछ देगा या नहीं देगा। तो पार्टी को चाहिए ना कि साधु यादव को कुछ पद दे दो, कुछ कर दो, कुछ बना के रखो, तब ना पार्टी पार्टी रहेगा। तो इस तरह से अगर पार्टी नहीं करती है तो हम पार्टी में अभी बने हुए हैं, अब पार्टी का क्या सोच है नहीं सोच है वो तो पार्टी जाने, लेकिन हमारा सोच है कि अभी हम बने हैं, आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह पाए। आपने खुद कहा कि पार्टी ने आपको डंप सा कर रखा है, आपकी कोई उपयोगिता वह नहीं है। एक चीज बताइए, आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते, चूंकि आप खुद पॉलिटिक्स पर लंबे समय से हैं, राहुल और नरेंद्र मोदी की अगर तुलना की जाती है तो आप उसमें किस तरह का डिफरेंस पाते हैं? दोनों का आपको क्या खूबी लगता है? दोनों में खूबी यह है कि अगर आप बीमार पड़ जाइए, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, अगर आप राहुल गांधी से कहिए कि हमको मिलना है तो 3 साल के बाद कहीं नंबर आएगा और फिर कॉल होगा, नरेंद्र भाई मोदी के पास जाइएगा तो तुरंत कॉल हो जाएगा, ये अंतर है। और जहां तक जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके का विकास की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप उससे सहमत हैं? आप गुजरात के विकास की जो बात करते हैं, गुजरात में जो काम किया उन्होंने पिछले 12 साल में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल सही है कि गुजरात का विकास पूरे देश में छाया हुआ है और गुजरात विकास किया है, हम लोग आंखों से देखा है। पहले गुजरात में, अभी के गुजरात में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये फर्क दिखाई दे रहा है। देसी चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लंबे समय से खैर आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति में रहे, मोदी से आज जाकर मिले, आप भी यही कहेंगे कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात क्या आगे बढ़ेगी? नहीं, वास्तविकता यही है कि हम लोग शिष्टाचार बस उनसे मिलने गए थे और कोई राजनीतिक बात उनसे हम लोगों की नहीं हुई, क्योंकि अहमदाबाद आए हुए थे एक निजी कार्यक्रम में और पहले से साधु यादव जी का उनसे बातचीत होते रहा है और अच्छे संबंध रहे हैं, तो इन्होंने शिष्टाचार बस उनसे बात किया, टेलीफोन पर उन्होंने चाय के लिए आमंत्रित कर दिया, हम लोग गए और चाय पी कर के चले आए, कोई राजनीतिक बात हम लोगों से उनकी नहीं हुई। लेकिन आप दोनों कांग्रेस के नेता हैं, नरेंद्र मोदी से जाकर मिले हैं, तो जाहिर है चर्चा तो होगी ही, मान लीजिए ये चर्चा अगर आगे बढ़ती है तो क्या आप लोग इस बात के लिए ओपन है कि आप 2014 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके पहले बीजेपी का दामन थाम लें? नहीं, ऐसा कोई हम लोगों का अभी इरादा नहीं है और ऐसा हम लोगों ने कभी अभी सोचा भी नहीं है। अभी कांग्रेस में है, हम लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कितना हम लोगों का उपयोग करेगी उसके ऊपर निर्भर करता है।